हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 97 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल डॉक्यूमेंट टेस्ट के ओल्ड पेपर 2017 के सॉल्व कर रहे हैं। 8 सितंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने शुरू किया था। इसके हम 4 सेट बना चुके हैं, अर्थात प्रैक्टिस सेट 93, 94, 95 और 96 इसी से रिलेटेड है। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो सेट देखिएगा और फिर हमारे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। पहले के दो सेट में हमने पहला टॉपिक क्लियर किया, फिर अगला टॉपिक दो सेट में क्लियर किया, और आज हम तीसरा टॉपिक जो है वो इस सेट में क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम जो पुरानी परीक्षा हुई है पीईबी की साइट से ही लेके आए हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट से ही लेके आए हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं, हमने लगभग 100 क्वेश्चन करवाए हैं, 100 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। अब देख लीजिए 100 के समथिंग प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप इतने प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। और हम रेगुलर ही प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, तो इसलिए आप हमसे जुड़िएगा। अगर आपने हमारे द्वारा करवाए गए सभी प्रैक्टिस सेट कर लिए तो 100% आपकी सफलता सुनिश्चित है। देखिए, ये हमारा आज का अगला टॉपिक रहेगा साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। इस पर भी हम 2 वीडियो बनाएंगे, मतलब इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के हम 15 तक करेंगे आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए चित्र में PQRS एक वर्ग है और OP 5 सेंटीमीटर है, तो PQ ज्ञात कीजिए। मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आधार पर सॉल्व जरूर कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। इसी प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। केवल वीडियो को देखने से ही आपको क्वेश्चन करना नहीं आ जाएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप वीडियो देखिए, उसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन देख कर हल कीजिए, उसके बाद फिर प्ले करके आगे देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ इसको। क्या दे रखा है, PQRS जो है वो एक वर्ग है। वर्ग है मतलब चारों भुजाएं बराबर है, मतलब PQ, QR, RS और SQ सभी बराबर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो PQ ज्ञात करना है, मतलब हमको कुल मिला के एक भुजा ज्ञात करनी है। OP बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो OP क्या है, ये OP है। ठीक है ना, OP 5 सेंटीमीटर। OP क्या है, विकर्ण का आधा है। हमको क्या करना है, पूरा विकर्ण चाहिए पहले, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो पूरा विकर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि आधा जो है उसका मान क्या है, 5 है। तो पूरा क्या हो जाएगा, 5 × 10, तो ये हो गया विकर्ण का मान। विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हमको पता है कि भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होता है, तो विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 2। ठीक है, तो भुजा रूट 2 बराबर हो जाएगा, भुजा रूट 2 किसके बराबर होता है, विकर्ण के। तो विकर्ण की जगह मैंने लिख दिया भुजा रूट 2, बराबर में 10 है तो 10 ऐसा कैसे है। तो भुजा का मान क्या होगा, भुजा का मान निकालने के लिए रूट 2 जो है वो यहाँ गुणा में है, तो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो भुजा का मान आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ, 10/√2। ठीक है ना, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, रूट 2 का अंश में भी गुणा कर देंगे और रूट 2 का हर में भी गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10√2 और नीचे दोनों रूट एक ही संख्या के हैं, तो रूट से बाहर निकल जाएगी संख्या, तो बटे में 2 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 5√2। देखते हैं 5√2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण ODA बराबर 32 डिग्री, ODA अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 32 डिग्री। ठीक है ना, कोण OAB हमको ज्ञात करना है, OAB ये निकालना है हमको,
ठीक है ना। तो इसका मान आप निकालिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप करवाइए, तो मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो में करवा दूंगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पचास लोगों के भार का बारंबारता बंटल निम्न है, निम्न वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल से पहले है। क्या पूछा है उसने? वर्ग की ऊपरी सीमा पूछी, किसकी? जो उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल से पहले। तो उच्च आवृत्ति वाला वर्ग अंतराल कौन सा है ये देखिए पहले। तो उच्च आवृत्ति कौन सी है? ये आवृत्तियां हैं 8, 14, 15, 6, 7, इनमें उच्च आवृत्ति, उच्च मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 15 है। तो क्या बोल रहा है? उच्च आवृत्ति वाले वर्ग अंतराल से पहले, तो इससे पहले क्या आ रहा है वर्ग अंतराल? ये आ रहा है, तो इसकी क्या करनी है? इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा हमको निकालनी है, बोल रहा है ना वर्ग की ऊपरी सीमा। तो इसकी ये न्यूनतम सीमा है 45 और ऊपरी सीमा है 50, तो ऊपरी सीमा क्या आ जाएगी? 50। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या -4/7 की घात 4 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा समझा देता हूं कि जब घात किसी की भी संख्या की, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, मान लिया ऋणात्मक में 10 भी है, इसकी घात अगर नेगेटिव होती है, नेगेटिव मतलब 1 हो या 3 हो या 5, सॉरी नेगेटिव नहीं, सॉरी विषम होती है, 1, 3, 5 हो, तब इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना। जो भी आंसर आए वो माइनस में आएगा, लेकिन इसके विपरीत अगर ये माइनस की जो भी संख्या ले लेते हैं, माइनस की 10 ही ले लेते हैं, और अगर इसकी इसका घातांक जो है वो सम संख्या है 2, 4, 6, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है -4/7 की घात क्या है 4, 4 मतलब सम संख्या है, मतलब आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये क्या पूछ रहा है, कौन सी इसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर कौन सी है? ये तो बराबर ही है ना, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का 4 है और यहाँ पॉजिटिव का 4 है, मैंने क्या कहा है कि आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। और ये जो है ब्रैकेट में -7/4 है, तो ये भी अगर आप बाहर निकालोगे ये भी सम संख्या है, तो बाहर यही आएगा, तो मतलब 4/7 की घात 4, यहाँ भी 4/7 की घात 4 ही है, क्योंकि ये माइनस जो है ये घातांक के अनुसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि घातांक सम है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इसके बराबर है, सेकेंड ऑप्शन में तो दोनों ही प्लस के दे रखे हैं, तो ये भी बात सही है, क्योंकि आंसर हमारा प्लस का ही आएगा। माइनस को हम हटा सकते हैं क्योंकि घातांक जो है वो सम है, लेकिन ये माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हम ब्रैकेट से। थर्ड ऑप्शन में जो दे रखा है ना ये गलत है, माइनस को बाहर निकाला इसका मतलब आंसर का ही कह रहा है माइनस का, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसके बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इन सब के अलग अलग मान निकाल लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ के, तो आपको जो मेन क्वेश्चन में दे रखी है संख्या, इसका मान पहले दूसरे और चौथे ऑप्शन से मिलेगा, लेकिन तीसरे ऑप्शन से इसका मान जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव का दोनों में अंतर रहेगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, एल और एम दोनों समांतर है, ये एल है ये एम है, दोनों समांतर है, इस चिन्ह का मतलब होता है समांतर होना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो x का मान याद कीजिए, x का मान ये रहा, x का मान अब ये यहाँ के कोण है 130 डिग्री ये है और 100 डिग्री ये है, तो देखिए जब दोनों समांतर रेखा हैं तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये दोनों एकांतर कोण है, ये भी 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा। अब ये 100 डिग्री है तो यहाँ से ये भी 100 डिग्री होगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो और ये सीधी रेखा का कोण क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब देखिए 130 और 100 में से हम x को घटा देंगे क्योंकि ये x वाला जो है ये डबल से आ रहा है ना, ये यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो इसमें से हम x को घटा देंगे तो 180 आ जाना चाहिए, तो इन तीन इन दोनों को जोड़ के x को घटा देते हैं, तो 100 और 130 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 230 में से क्या घटाएंगे हम x को घटाएंगे तो
तो क्या आ जाएगा, एक सरल रेखा का जो कोण होता है, क्या होता है सरल रेखा का कोण, 180 डिग्री होता है, वो आ जाना चाहिए। तो बस इस प्रकार से x का मान निकालेंगे, x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 180 इधर जाएगा तो माइनस का। तो 230 माइनस 180 यानी कि क्या बचेगा, 50 बचेगा, 50 डिग्री जो होगा हमारा उत्तर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यदि 5x बराबर, ये इक्वेशन दे रखी है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि इनका अगर हम वर्ग करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ए प्लस बी करते हैं तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 57.75 में 42 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 5 और 5 10 100 आ जाएगा यहाँ, गुणित ए माइनस बी मतलब 57.75 में से 42.25 को घटाना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15.50 आ जाएगा। और बराबर में 5x है तो ये 5 को हम बटे में ले आएंगे तो x का मान आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको x का मान ही तो निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है x का मान ज्ञात कीजिए, ये 5 को हम बटे में ले आए, सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 को यहाँ दशमलव वाली संख्या से काटते हैं तो 5 15.5 5, ठीक है, 0 ऐसा का ऐसा है। अब यहाँ पे 100 का गुणा 3.10 में करेंगे तो आंसर आएगा 310, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। एक्स प्लस 3 गुणनखंड है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 ए का, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, एक्स प्लस 3 गुणनखंड है मतलब एक्स प्लस 3 बराबर 0 जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, मतलब x बराबर माइनस 3 हम रखेंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, इस इक्वेशन का, तो इस आधार पर हम a का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x की घात 3 में x बराबर माइनस 3 रखेंगे हर जगह, तो x की घात 3 में माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 की घात क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 3 की घात 3 माइनस, फिर x का मान फिर से माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 की घात 2 प्लस 12, फिर x की घात क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे माइनस 3, फिर प्लस का 3 है, प्लस का 3 a बराबर 0, तभी इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। माइनस 3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27, लेकिन आंसर आएगा माइनस का, माइनस का 27। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब घातांक विषम हो तो आंसर माइनस का आता है, घातांक सम हो तो आंसर प्लस का आता है, ये माइनस जो है बाहर वो वैसा का ऐसा ही रहेगा। अब इसका घातांक सम है तो इसका आंसर प्लस का ही आएगा, 3 3 9, ठीक है ना, ये जो माइनस है तो बाहर है, अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस बन गया, ठीक है, प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो आंसर आता है माइनस में, 12 3 36 प्लस 3 है बराबर 0। अब इनको ये तीनों ही माइनस में है, इन सबको जोड़ देते हैं तो 9 और 7 16 36 36 और 36 72, ये माइनस का 72 आएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 72, तो आंसर आएगा 3a बराबर प्लस का 72 या 72, 3 गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग जाएगा तो 3 का भाग देते हैं 72 में तो 24 3 72 हो जाता है, ए बराबर हो गया 24 24, अर्थात फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आपको कोई चैप्टर सोलो नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए अगर जिसने चैप्टर सोलो नहीं कर रखे उनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन अगर आप भाग जाओगे
तो उससे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये ओल्ड पेपर ही है, कोई मेरा मन से मैं क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ। अगर लेवल कहीं कहीं बढ़ रहा है तो वो क्वेश्चन में ही बढ़ रहा है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप भाग जाओगे तो आपको सिलेक्शन तो होने से रहा, फिर अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जहाँ आप कमज़ोर हो उस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? देखिए ये बेलन के, इसके लिए आपको सूत्र याद होने जरूरी है। आधार की, देखिए बेलन में आपको बता देता हूँ बेलन क्या होता है। ये होता है बेलन, ये बेलन की आकृति हो गई, ठीक है ना। इसने बोल रखा है आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दे रखी है ये 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, मतलब हमको इसका आयतन निकालना है सबसे पहले, सिंपल है। तो आप इसको कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 8 हमको सोल्व करवाइए, तो मैं आपके आपको इसको अलग से एक वीडियो बना के सोल्व करवा दूंगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 420 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए मैं आपको चित्र से समझाता हूँ सबसे बढ़िया। समचतुर्भुज का चित्र हम बनाएंगे, तो ये एक अनुमानित चित्र हम बना रहे हैं, ये है समचतुर्भुज, ठीक है ना। अब इसमें उसने क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसका आधार जो है किस प्रकार भी की भी आकृति हो सकती है, हो सकता है ये इस प्रकार की आकृति हो, बस इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। देखिए मैं चित्र सही से बना नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, हमको आधार निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम ऊंचाई का भाग दे देंगे क्षेत्रफल में, अर्थात 12 का भाग दे देंगे 420 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आधार आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए, 12 × 36 और 12 × 60 35 सेंटीमीटर आ गई जो है वो इसकी आधार की लंबाई आ गई। हमको निकालना है इसका परिमाप, तो इसका ये जो आधार है ये इसकी एक भुजा है, ठीक है ना। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? चारों भुजाएँ, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 35 चौक क्या हो जाएगा? 140। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। रीता के पास 10 और 5 रुपए के नोटों में 500 रुपए हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या से 5 अधिक है, तो उसके पास 10 रुपए वाले कितने नोट हैं? तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, क्या दे रखा है? 10 और 5 रुपए के नोटों में टोटल कितने पैसे हैं उसके पास? 500 रुपए हैं। यदि 10 रुपए के नोटों की संख्या 5 रुपए के नोटों की संख्या से 5 अधिक है, तो आप इसको इक्वेशन बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि 10 रुपए वाले नोट कितने हैं, तो 5 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या हो जाएगी? मान लेते हैं x है, ठीक है ना। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या बोल रहा है? वो 5 रुपए वाले नोटों की संख्या से 5 अधिक है, मतलब x प्लस 5 जो है वो 10 रुपए के नोटों की संख्या है, और हमको निकालने क्या है? टोटल 500 रुपए होने चाहिए। तो आप गुणा कर लीजिए, 10 रुपए की वैल्यू वाले x प्लस 5 नोट है,
तो 10 का गुणा x प्लस 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 10x प्लस 50। 10 का गुणा कर रहे हैं, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 5 रुपए के नोटों में कितने हैं, x है, तो प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 500 रुपए होने चाहिए टोटल। हल कर लीजिए, x का मान निकालिए, 10 और 5x क्या हो जाएगा 15x, ठीक है ना, ये 15x हो बराबर, ये 50 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 500 में से घट जाएगा, 500 में से घटा लेते हैं 50 को, तो क्या बचेगा 450। 15 जो है गुणा में है, यहाँ कट जाएगा ये बटे में आके, 15 दिया 45, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 30, अर्थात 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 30 है। हमको क्या निकालनी है, 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो 10 रुपए के नोटों की संख्या है x प्लस 5, मतलब 30 प्लस 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 35, हमारा आंसर हो जाता है 35। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे ही x का मान आया वैसे ही टिक लगा देते हैं, तो आप वैसे ही क्या टिक लगाते हैं, 30 को टिक लगा के आ जाते हैं, आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आप देखिए उसने क्या पूछा है, ठीक है ना, नहीं तो आपने इतना टाइम निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया बात बराबर हो जाएगी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी और 5% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे सी को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो सी द्वारा कितनी धनराशि दी गई या दी गई धनराशि कितनी है। तो 800 रुपए में खरीदी है इसने ए ने, ठीक है ना, तो 800 कर देते हैं। अब इसने क्या किया, 5% के लाभ पर बी को बेचा, यानी कि गुणित 105, ठीक है ना, परसेंटेज आपको पता है, जितने भी परसेंट लाभ होगा उतना हम बढ़ा देंगे 100 में, और बटे में 100 आएगा, तो उतना बढ़ा दिया, 5% लाभ है तो 105 कर दिया, नुकसान होता तो हम घटा के गुणा कर देते। अब बी ने ऐसे सी को 10% के लाभ पर बेचा, अब यहाँ 10 बढ़ गया, तो यहाँ गुणित में हम क्या कर देंगे, 100 में 10 बढ़ा देंगे, अर्थात 110 बटे 100 कर लेंगे, तो दी गई धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगी, इसका आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 से 20 कट जाएंगे, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 5 से 105 काट देंगे, 5 दोगे 10, 5 कम 5, तो 21 चौक क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, 84 गुणित क्या बचा है, 11 बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, हासिल 4 11 88 और 4 92 92, तो 924 जो है वो हमारा आंसर है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 है। 0.002744 का घनमूल क्या है, घनमूल मतलब इसका क्यूब अंडर रूट हमको निकालना है। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, घनमूल निकाल रहे थे इसका, तो घनमूल निकालिए, आपको दशमलव को छोड़ दीजिए, मेन अंक क्या है यहाँ पर, मेन अंक है दे रखा है इसने 27 44, 27 44 का घनमूल क्या होता है सभी को पता है, 14 होता है, घनमूल का तो पता है ना आपको, क्यूब अंडर रूट निकालना है, ये निकालना है आपको, ठीक है ना, तो 27 44 का घनमूल होता है 14। अब यहाँ दशमलव में अब आते हैं हम, तो दशमलव में कितने अंक दे रखे हैं, 2, 2, 4 और 6 अंक दशमलव में दे रखे हैं, यानी कि बटे में 6 जीरो आएगी। अब 6 जीरो का क्यूब अंडर रूट क्या आएगा, बटे में 2 जीरो, अर्थात 14 बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, अर्थात 2 अंकों के बाद हमको लगानी है दशमलव, यानी 1 4 से पहले लगेगी दशमलव, 0.14 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 62,500 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये तो बहुत ही सरल है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसके लिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और अगर नहीं भी याद है तो आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, फिर उसके बाद साधारण ब्याज निकालिए और दोनों को घटा दीजिए, ठीक है ना, आप दोनों ही विधि से इसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालने का, वो होता है कि आपको P गुणित R बटे
सौ की घात दो, ठीक है ना। दो वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर का फॉर्मूला है। यहाँ पर पी मूलधन है आपका और आर जो है वो दर है। इसको हम ये फॉर्मूले में रखकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 62। पी का मान क्या है? 62,500 गुणित आर का स्क्वायर है। आर का मान क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 को दो बार लिखना है गुणा में, बटे 100 का स्क्वायर है तो 100 को भी दो बार लिखना है, 100 गुणित 100। दो जीरो से दो को जीरो कट जाएगी, फिर 25 से काटते हैं, 25 को 25 बार 625, फिर 25 चौक 100, फिर 4 3 12। अब 25 3 75 और 75 का गुणा 12 में करते हैं तो 75 गुणित 12 बराबर 12 5 60 का जीरो हासिल छे 12 6 72 87 84 और 6 90। 900 रुपये जो है वो अंतर आ जाता है। ऑप्शन फोर्थ हमारा आंसर है। कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो याद है ही सही, आप उस विधि से भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। उस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर तथा 81 मीटर है। विमाओं जिसका क्षेत्रफल 144 मीटर व 81 मीटर विमा वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल सी बात है, मतलब हमको क्या करना है, पहले तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी विमा हमको दे रखी है। अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 144 में 81 का गुणा करना है, 144 गुणित 81, यह हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग के भुजा की लंबाई हमको निकालनी है, तो ये जो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला है 144 गुणित 81, ये किसके बराबर होगा? वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, यही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो हमको निकालनी है भुजा की लंबाई, तो स्क्वायर को हम हटाएंगे तो भुजा का मान क्या आ जाएगा? भुजा का मान आ जाएगा अंडर रूट में 144 × 81, ठीक है। तो इसका अंडर रूट क्या होता है? 144 का अंडर रूट होता है 12 और 81 का अंडर रूट होता है 9, तो 12 नमा की 108 मीटर जो है भुजा है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो फिर आपको अंडर रूट निकालने में ज़्यादा परेशानी होती, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन साइंस से है। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। जीन को तो आप जानते हो, इसे जीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ह्यूमन बॉडी का पार्टीशन होता है। जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनना है हमको इनमें से, तो क्या काम होता है मतलब सबसे बढ़िया जीन का? तो सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है, मतलब एक प्रकार के उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये बात सही है, बिल्कुल जीन यही कार्य करता है। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना का विकास होता है। देखिए इसी से ये पॉइंट रिलेटेड है, क्योंकि वह चयापचय क्रियाओं में क्या करता है? कोशिकाओं को उनके लिए उत्प्रेरित करता है, तो कोशिका उत्प्रेरित होगी, चयापचय होगा, तो उसी के फलस्वरूप जो है हमारे शरीर का विकास और विभेदन होगा। तो ये भी बात सही है। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता, तो बिल्कुल बंद कब करता है? जब भी बंद करना होता है तब ये चयापचय क्रिया नहीं करता है, मतलब ये उत्प्रेरण का काम नहीं करता है, तो ये कंट्रोल इसको भी करता है, बिल्कुल सही है। मतलब तीनों ही बात इसकी सही है, अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के हमारे 15 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम प्रतिदिन आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेके आएंगे, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज ओनली फॉर नॉलेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी आपको हमारे कंटेंट मिल जाएंगे। धन्यवाद।